ये वाला काम भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, थोड़ा सा बस देसी घी, खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए। वाह भाई वाह, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना। तो और ये देखो भाई, ऑयल भी अच्छे से छूट गया है, बढ़िया लग रहा है एकदम। तो आप किसकी वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ ये रेसिपी को ट्राई करो। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ गोवन स्टाइल का चिकन करी। जी हाँ, गोवन स्टाइल, गोवा का स्टाइल की फ़िश जैसे बनती है ना, सेम उसी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ चिकन के साथ आज। तो ये मैंने 4 टमाटर पानी में उबाल रहा हूँ मैं बढ़िया से, और ये 10 मिर्चें ली है मैंने एकदम बढ़िया सी लाल सूखी, जिसमें कलर ज़्यादा होता है और तीखापन कम होता है, 10। तो इसको अच्छे से बॉईल करता हूँ और फिर टमाटर का छिलका उतार के इन सबको एक साथ ग्राइंड करेंगे। तो गाइस, अब आप ध्यान से देख रहे हैं इंग्रेडिएंट, ये है नारियल का बुरादा, पहले हम इसको थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर, दैट्स इट, बस बहुत है ठीक है। मतलब 2 बड़े चम्मच लगा लो, डाला है, और इतना ही 2 बड़े चम्मच के करीब सूखा धनिया डालेंगे ठीक है, और डालेंगे इसके अंदर हम क्या, जीरा 1 चम्मच बड़ा। अब इन सबको मेरे को रोस्ट करना है, रोस्ट करने के बाद इसके साथ मिक्स करके बिना पानी के मिक्स करके इसको ग्राइंड करना है। तो पहले इसे रोस्ट करते हैं, ये मेन मसाला है इस डिश का। ये ले और इसको अच्छे से रोस्ट करना है, जब इसमें से थोड़ी खुशबू आने लगे ना तो समझ जाना कि भाई रोस्ट हो गया है। तो ये बढ़िया से रोस्ट कर लेते हैं, इसमें अभी कोई तेल वेल कुछ नहीं डालना। अब आप देखते जाओ, आप ये रेसिपी फॉलो करो ये वाली, और ना मज़ा आए तो मेरा नाम बदल देना, गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। जी हाँ, तो ये देखिए जनाब, खुशबू आने लगी है नारियल की, जो अच्छे से भून चुका है। और अब हम कर देंगे गैस को बंद, क्योंकि हमारा काम हो गया है इसका। अब इन सबको एक साथ पीसते हैं। तो ये लीजिए जनाब, इसमें डालेंगे अब थोड़ा सा सरसों का तेल, चिकन को भुनना है हमारे को, बस इसका थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। उसके बाद अपने 2 किलो चिकन को इसके साथ भुनेंगे अच्छे से। तो ये लीजिए जनाब, तेल हमारा अच्छे से सड़ चुका है, 2 बारीक कटे हुए प्याज, अब इसको अच्छे से थोड़ा सा पहले सॉटे कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देता हूँ, आपको पता ही है, सॉल्ट टू टेस्ट। इससे तो थोड़ा सा मेरा जो चिकन है और प्याज है वो जल्दी गल जाएगा। तो ये जो रेसिपी है ना गोवन फिश वाली, उसको मैं चेंज कर रहा हूँ गोवन चिकन में, तो पहली बार बना रहे हैं हम ये। तो गोवा में स्पेशली, गोवा में ही ऐसी ग्रेवीज खाई जाती हैं बढ़िया सी स्पाइसी वाली। ये चिकन हाँ थोड़ा सा स्पाइसी होगा, तो इसलिए जो लोग स्पाइसी नहीं खाते हैं प्लीज़ अवॉइड दिस, आप लोग मत खाओ बेशक से। और अब डलेगा इसके अंदर चिकन, क्योंकि चिकन को साथ में भुनना है इसके साथ। तो ये 2 750 ग्राम का जो मुर्गा होता है ना, वो 2 मुर्गे लिए हैं बढ़िया से, अच्छे से धो के अब इसके साथ ये इसको पकाएंगे। और कम से कम तब तक पकाना है इसको जब तक कि चिकन जो है हमारा 80% ना गल जाए। जी हाँ, उससे पहले कुछ नहीं डालना है इसके अंदर, तो इसलिए इसको 80% गलाते हैं बढ़िया से। तो इसको बस मिक्स करना है धीरे धीरे, और ढक के इसको पकाओ या खुले करके पकाओ वो आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा गैस तेज़ में पहले मैं इसको 10 मिनट पका लेता हूँ, ताकि इसके जूसेस जो हैं सारे वो सील हो जाए इसके अंदर ही। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको देख लेते हैं। वाह भाई वाह, हो रहा है भाई धीरे धीरे बढ़िया सा। अभी इसको थोड़ा सा और करेंगे, और फिर इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे और फिर भुनेंगे। बस याद रखना, तब तक भुनना है इसको, तब तक पकाना है इस चिकन को इस प्याज के साथ, जब तक कि चिकन जो है 80% गल ना जाए, क्योंकि जो हमारा पेस्ट है ना
वो जो बन चुका है उसको पकने में मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे बस। तो भाई अब एक पैकेट छोटा 5 रुपए वाला अदरक लहसुन का पेस्ट पूरा डाल देंगे। क्या बात है। और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। देख लो अभी मैंने एक भी मसाला नहीं डाला, सिर्फ नमक के अलावा, क्योंकि अभी डालना नहीं है। अभी चिकन गला नहीं है तो इसे अभी और पकाना है। हाफ टी स्पून डाल दो हल्दी और करेंगे इसे मिक्स। हल्दी का अपना ही एक बेनिफिट है, तो हल्दी डालना भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस डिश के अंदर। वाह भाई वाह, आज तो मज़ा आ जाना भाजी। बस हो गया मिक्स, अब इसे थोड़ा गलाओ चिकन को। अब डालेंगे जी इसके अंदर हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अच्छा जो मिर्ची है ना वो आप अपने हिसाब से डाल लेना, क्योंकि टेस्ट आपको बता रहा है ना कि कैसा है। और ये थोड़ा सा चिकन मसाला बस, क्योंकि उस जो पेस्ट हमने बनाया ना वो भी काफ़ी थोड़ा सा स्पाइसी होगा, तो इसलिए आप अपने हिसाब से ही मिर्ची डालना। क्या बढ़िया लग रहा, अभी तो कुछ भी नहीं बनाया, मिक्स हुआ ही नहीं अभी तो अच्छे से। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है मेरे को इसमें से ना, कि प्याज जोन सा है ना वो अच्छे से गल चुका है, तो इसीलिए बहुत बढ़िया लग रहा है। बस इसको अब हमारे को बस अब और कुछ नहीं डालना, अब इसे अच्छे से गला के 80%, और इस सब को हम निकाल लेंगे किसी दूसरे बर्तन में, और इसी के अंदर बनेगी पहले थोड़ी सी पेस्ट को रोस्ट करेंगे एंड देन चिकन मिक्स कर देंगे। तो जी अब इसको खोलते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। ओके गुड। तो भैया अब बारी है हमारे को इसी के अंदर, मैं इसको अलग से नहीं निकाल रहा, अलग बर्तन में बोल रहा था ना निकालने के लिए, नहीं निकाल रहा। अब ये पेस्ट डालेंगे इसके अंदर, जिसमें कोकोनट, साबुत धनिया, लाल मिर्चें और टमाटर, 4 सबका पेस्ट। अब इस सबको अच्छे से मिक्स करते हैं, अच्छे से करेंगे मिक्स, क्योंकि हमारे चिकन के जितने भी इंग्रेडिएंट थे अब सब डल चुके हैं इसके अंदर। नमक आप चेक कर लेना कि किस हिसाब से आपको चाहिए। बस अब ये सिम पे पकेगा। जी हाँ, गैस को कर दो सिम और इसको ढक दो, कम से कम 10 से 12 मिनट के बाद आके देखेंगे कि क्या हाल है। तो भाई अब 10-12 मिनट हो चुके हैं। ओए होए होए, क्या खुशबू आ रही है भाई। वाह भाई वाह, ये देखो भाई अब बारी है इसके अंदर एक मेन इंग्रेडिएंट डालने की, और वो है इमली का पानी। जी हाँ, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना इमली का पानी एंड ग्रेवी बनाने के लिए पानी बस। लेकिन उससे पहले एक काम करना मेन, वो भी ज़रूरी है, ये वाला काम भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, थोड़ा सा बस देसी घी, खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए। अब एक बार इसको मिक्स कर दो, और फिर एक बार मिक्स कर दिया, और अब मैं ग्रेवी के लिए पानी डाल रहा हूँ। अब जितना मर्जी पानी डाल दो, आप 2 गिलास डाल सकते हो, गर्म पानी मिक्स करना वैसे तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए मैं ठंडा ही डाल रहा हूँ, नॉर्मल डाल रहा हूँ मतलब, बस और नहीं डाल रहा। मुश्किल से मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है बस। एक बार अच्छे से मिक्स कर दो और इसको सिम कर दो। बस आप तब तक सिम करना है जब तक कि चिकन अच्छे से पूरा ना गल जाए, बस और कुछ नहीं करना। अब इसको ढक देंगे और वेट करते हैं इसके गलने का। रेसिपी को फॉलो करो, दोस्तों को बताओ और ट्राई करो। तो भैया जी सब्जी बन चुकी है हमारी, 10-12 मिनट हो चुके हैं। अब इसको खोल के एक बार चेक कर रहे हैं कि चिकन बढ़िया से पक गया है और तेल छोड़ा नहीं छोड़ा। वाह भाई वाह, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना। तो और ये देखो भाई, ऑयल भी अच्छे से छूट गया है, बढ़िया लग रहा है एकदम।
तो आप किसकी वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ ये रेसिपी को ट्राई करो और मुझे बताना कि कैसा लगा। बाय बाय। गल चुका भाई चिकन भी।